नमस्कार दोस्तों, आज हाजिर हूँ अपना दूसरा वीडियो लेके। कल मैंने आपके साथ नायका के ऊपर बात की थी और कहा था कि अगर आप नायका अप्लाई करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 700 से 800 रुपए के आसपास का प्रीमियम मिल सकता है, यानी लगभग 7,000 रुपए का प्रॉफिट आपको इशू पे हो सकता है। आज मैं आपके सामने फिनोपे के बारे में बात कर रहा हूँ। फिनोपे एक ऐसी कंपनी है जो 2017 में शुरू हुई और बेसिकली पेमेंट नेटवर्क है जहाँ के जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ये एक नया ग्रोइंग बिजनेस है मार्केट में, जिसमें कई कंपनियां लगी हुई हैं, उनमें से ये एक है और अच्छा खासा बिजनेस है उनका। एंड नाइका या कोई भी दूसरी कंपनी जिसको ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम चालू करना है, दे हैव टू टेक द सर्विसेज ऑफ दिस कंपनीज। तो डिटेल डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और स्क्रीन के साथ साथ आपके लिए बात करता हूं कि मैं इस वीडियो में आपके साथ क्या क्या शेयर करने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर जो आईपीओ है, मैंने बताया कि फिनोपे का है और दिस फिनो पेमेंट जो बैंक है, बेसिकली ये इसका आईपीओ कल यानी 29 अक्टूबर से लेके नवंबर 2 तक रहेगा, यानी एक दिन बाद शुरू हो रहा नायका के और नायका के अगले दिन तक चलेगा। और इसका जो आईपीओ प्राइस है 562 to 577, मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है, अदरवाइज बस ठीक है। लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस को देख के इस टाइप की कंपनियों का वैल्यूएशन थोड़ा सा करना अभी मुश्किल हो रहा है, बट इट इज गोइंग टू बी गिविंग अ गुड प्रॉफिट टू यू। एंड मेरे हिसाब से इसमें लगभग आपको कितना प्रॉफिट होगा मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। इश्यू साइज जो इसका है वो 1200 करोड़ का है लगभग, और जिसमें फ्रेश इशू 300 करोड़ का, बाकी सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। आपको पता है इस टाइप जितनी भी कंपनियां हैं ऑनलाइन बेस्ड, उन सभी में जो फंड हाउसेस एंड दूसरी कंपनियां इसमें वेंचर कैपिटलिस्ट उसमें पैसा लगाते हैं, और उसमें जो पैसा लगेगा, जैसे कि अभी आप पेटीएम की बात करें तो उसमें अलीबाबा की कंपनी जो है उनका पैसा लगा हुआ है। ऐसे कई पैसे अलग अलग बड़ी कंपनियां लगाती हैं। तो आप भी इस एक साल कुछ समय के पश्चात उनको दे नीड टू गो बैक टू दे हैव टू विड्रॉ देयर मनी, सो दे विड्रॉइंग द मनी एंड फॉर दैट ऑफर फॉर सेल हैज कम। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द अदर डिटेल्स विद यू। दिस कंपनी इज गोइंग टू बी इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, 9 तारीख को आपको अलॉटमेंट पता लग जाएगा, 10 को रिफंड है, और क्रेडिट टू शेयर्स टू डीमैट अकाउंट विल बी ऑन 11th of November और आईपीओ लिस्टिंग विल बी ऑन 12th of November। नाउ लेट मी डिस्कस विद यू द अदर डिटेल्स, बट बिफोर आई डिस्कस विद यू माय अदर डिटेल्स आई विल जस्ट लाइक टू से दैट प्लीज सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब द योर ओन चैनल विच इज फिन ग्रोथ मंत्रा, एंड ड्यू टू विच आई कैन डिस्कस विद यू मोर एंड मोर इंफॉर्मेशंस बेस्ड ऑन दिस, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट भी हो। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपना जो एनालिसिस है वो भी एक बार कर लिया करिए, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया अब इस कंपनी के बारे में कि 2017 में शुरू हुई फिनो पेमेंट, एंड इट इज ए ग्रोइंग फिनटेक कंपनी है। वाइड पोर्टफोलियो ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। कंपनी की जो है वो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इनके पास जो मेजर सर्विसेज हैं वो कासा यानी करंट अकाउंट्स और सेविंग्स बैंक अकाउंट हैं। इसके अलावा इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, फैसिलिटेटिंग द डोमेस्टिक रिमिटेंसेस, ओपन बैंकिंग फंक्शनली जो इनका एप्लीकेशन नेटवर्क है उसके थ्रू विड्रॉइंग एंड डिपॉजिटिंग कैश बाय माइक्रो एटीएम एंड आधार इनेबल्ड सर्विसेज के थ्रू ये दे रहे हैं आपको। इसके अलावा कैश मैनेजमेंट सर्विसेज भी करते हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है दैट बेसिकली आपको फैसिलिटेट करती क्रॉस सेलिंग ऑफ देयर अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सच ए थर्ड पार्टी गोल्ड लोन्स, इंश्योरेंस, बिल पेमेंट, रिचार्जेस। फिनोपे ऑल्सो मैनेजेज ए लार्ज बिजनेस करस्पॉन्डेंस नेटवर्क ऑन बिहाफ ऑफ अदर बैंक। सो फॉर रेवन्यू योर कंपनी रिलाइज ऑन द फीस एंड कमीशन फ्रॉम द मर्चेंट नेटवर्क एंड स्ट्रेटजिक कमर्शियल रिलेशनशिप। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी इसके टारगेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विच हैज़ ए लो लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड टेक्नोलॉजी यानी माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए जो लोग हैं उनके लिए बात करते हैं। इन 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी रैंक फिनो पेमेंट थर्ड अमंग द बैंक्स इन फैसिलिटेट डिजिटल ट्रांजेक्शन इन इंडिया। सो दे आर ए ग्रोइंग कंपनी। अकॉर्डिंग टू क्रिसल द कंपनी हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ माइक्रो एटीएम्स एंड थर्ड हाइएस्ट डिपॉजिट रेशियो
in the डिपॉजिट्स इन द फाइनेंशियल 2021। ना अब इसकी जो स्ट्रेंथ है कंपनी की उनको समझने की कोशिश करिए साहब। सबसे पहली चीज, ये जो इंडस्ट्री है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अब आने वाले समय में ग्रो करेगी, क्योंकि अब बैंक जाना, बैंक से पैसे विड्रॉ करना केवल बड़े लोगों नहीं, पैसे वाले लोग नहीं, इवन जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी दूर की बात होने जा रही है। इस तरह की जो कंपनियां हैं ऑनलाइन पेटीएम वगैरह के थ्रू लोग आपको पैसे ट्रांसफर करते मिलेंगे। आज आप कहीं भी जाइए पेटीएम आपको पैसे ट्रांसफर कर देता है, कहीं से किसी से आप जीपे वगैरह कहीं से आप कर सकते हो। तो एक अलग टाइप का एक बिजनेस शुरू हो रहा है विच इज अलाउइंग यू टू ग्रो एंड दिस न्यू टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल। And other than that, अगर मैं बात करूँ इकोनॉमी की, the economy is going to grow and the government is pushing online banking and technology and digital money transfer system. So this company is basically focusing on unique DTP model, which is a distribution technology and partnership network, which help in better customer services. It focus on the technology development and in-house technology expertise. कस्टमर सेंट्रिक है, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल इसका है, हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, विजन ऑफ सोशली इंक्लूसिवनेस एम्पावरमेंट। और इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो बेसिकली इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं। एंड अगर आप इनकी 30 मार्च की बात करें 2021 की और 31 मार्च 2020 के बीच कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट इनके एसेट्स डबल हो गए, जो पहले 6,240 थी और वो 10,102 हो गई। जो रेवेन्यू इनका था वो 7,910 हो गया है जो 6,913 था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 204 है। इसके अलावा इस कंपनी में जो आपका मेन जो प्रॉफिट मार्जिन हैं दैट इज ऑल्सो देयर एंड दे आर गोइंग टू do good in this regard। अब अगर हम बात करते हैं कि इस कंपनी में जो बाकी बिजनेस मॉडल्स हैं इस कंपनी के, हाउ दे फंक्शन, व्हाट इज द इश्यूज दे हैव ऑन दैट काउंट, तो मैं अपनी तरफ से अगर इस कंपनी में पैसे लगाने की बात करता हूं तो जो फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड है ये बेसिकली आईटी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। नीचे प्ले है, यानी एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसको कैटर करते हैं और वहां इनके बीच में कंपटीशन बहुत कम है। It turned the corner for the last three quarters. It has negative average. CS के लिए वरी है problem. Carried forward losses remain a major concern. Perhaps FPVL is the charging a premium for its novel model. मैंने यही बात आपको स्क्रीन पे कही थी जब मैंने आपको स्क्रीन शेयर की और कहा कि मुझे थोड़ा सा ये ओवर प्राइस लग रहा है, लेकिन क्योंकि कंपनी का मॉडल है ऐसा और ये ऑनलाइन फंडिंग का है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं जिनके पास सरप्लस पैसा है और जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं और लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं तो आप इसको रखिए। इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। इसके अलावा पोस्ट आईपीओ जो फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड है इसकी जो इक्विटी कैपिटल है जो 78.2 करोड़ है वो अब 83 करोड़ हो जाएगी। कंपनी लुकिंग फॉर द मार्केट कैप ऑफ 4,801 और करोड़। एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कंपनी जो लॉसेस कैरी करके लाई वो गलत है और जो इसका जो ईपीएस है वो इसका नेगेटिव है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज आल्सो नेगेटिव 5.38 एंड इश्यू प्राइस टू बुक वैल्यू 29.9। नाउ अगर आप इसको एनालाइज करते हैं FY22 की अर्निंग्स को एंड डायल्यूटेड पोस्ट इशू इक्विटी and then asking the price P around 382 based on the FY21 and ke hisab se 234 hona chahiye, lekin kyunki in ye aap se zyada paise mang rahe hain so that is what my worry is that this company is bit higher on the ground, it is bit higher, so 540 rupees thode zyada hain lekin koi bhi vyakti jo isme paisa laga raha hai वो अपने हिसाब से इसमें देख ले। और मेरे हिसाब से आपको ये कंपनी जिस तरह का मार्केट का मूड है मैं ये तो नहीं देखता हूँ कि इसमें ऐसा कोई भी आपको ग्रे मार्केट में कुछ लॉस हो सकता है लिस्टिंग पे लॉस मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी जो है वो आपको सफिशिएंट लिस्टिंग गेन देके जाएगी। लेकिन अब इसको आप लिस्टिंग गेन नाइका से कंपेयर ना करें, नाइका का जो लिस्टिंग गेन होगा वो इससे ज्यादा है क्योंकि उनका इनहेरेंट बिजनेस मॉडल बिजनेस है और जहां पे वो आपको अच्छा ग्रो करके दे रहे हैं तो वो थोड़ा इससे बेटर कंपनी मुझे लगती है। लेकिन
अगर आप बात फिनो पेमेंट बैंक की करते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप सरप्लस पैसा रख के चल रहे हैं और आपको लगता है कि इसमें कुछ है, आप पैसा लगा तो लॉन्गेस्ट लंबे समय तक लगाइए। मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कह सकता कि इस कंपनी में आप पैसा लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मैं इसमें -10 से लेके, यानी जो इसका लिस्टिंग प्राइस होने वाला है वो लगभग 560 रुपए से लेके, यानी जो इसका लोअर प्राइस बैंड है वहां से लेके आपको 50 रुपए का गेन, यानी -10 और +50 का गेन आपको मिल सकता है। मुझे उससे ज्यादा का गेन इसमें दिखता नहीं है। बाकी आपको पता है मार्केट सुप्रीम है, आप अपनी तरफ से भी एनालिसिस कर लीजिएगा, बट आई फील दैट 50 to 60 रुपीज मैक्सिमम गेन इज दिस, बिकॉज एक बिट ओवर प्राइस है। 350 रुपए के आसपास मुझे ये शेयर अच्छा लग रहा था, बट इन्होंने प्राइस ज्यादा रखा है, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम। थैंक यू मेरे दोस्तों, प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए और इसमें एनालिसिस करिए। थैंक यू वेरी मच।